का गाड़ी बुक करना है फॉर्च्यूनर। जाने तुम कहाँ तुम घुस रही हो यार। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो रूट है, मतलब जिस रूट पे अभी हम लोग हैं, यहाँ पे स्पीड लिमिट किया गया है 40 के ऊपर जाओगे तो 2000 रुपये का चलान है। सारी चीज़ें ना भाई करने में एक आदमी के लिए भाई बहुत डिफिकल्ट है। मेरे लिए तो मतलब इतना हेक्टिक हो रहा है ना, इतना हेक्टिक हो रहा है। टच वुड काम अभी अच्छे से बढ़ रहा है, भगवान की देन है। सोच रहा था किसी को हायर कर दूँ जो मेरा ये बुकिंग पैनल जो है ना पूरा संभाल सके। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के बज चुके हैं 7:20 एंड अभी इसके बाद वॉशरूम चालू कर दिया मैंने। ऑलमोस्ट खत्म होने की तैयारी है, लेट हो चुका हूँ थोड़ा सा। एंड अभी आज का जो ट्रिप है इसको भी लोकल ट्रिप विद राज, मैं वेट कर रहा हूँ उसको भी आने के लिए। उसको भी वॉक पे जो जैसे वो आएगा फिर वो ठंडा पानी भी यहाँ पे रेडी रखा है, वो आके फिर आराम करेगा। बाकी है ना, मैं अभी गया था नेशनल पार्क की तरफ क्योंकि मुझे मेरी वाइफ गई है उनकी मम्मी के घर पे, तो कुछ सामान देना था। वो सामान देके मैं अभी नेशनल पार्क के ब्रिज पे आ चुका हूँ। एंड इस बार मैं लाइट दूंगा राज को, क्योंकि राज अभी आगे लेफ्ट में कहीं खड़ा है, उसका फ़ोन भी आ गया था तो हमने इसको झूट कर दिया कि भाई बहुत ट्रैफिक है तो मैं थोड़ा घूम के आ रहा हूँ। तो लेट्स सी लेफ्ट में किधर है उसकी गाड़ी। ओ राज की गाड़ी पीछे है, दिखा नहीं पाया क्योंकि आगे पास आ गई थी। भाई टाइम है 8:25 एंड हम पहुँच चुके हैं होटल साई पैलेस अंधेरी ईस्ट में। तो फिलहाल तो दोनों गाड़ी यहाँ पे पार्क की है। अभी मैं और राज जा रहे हैं राज की गाड़ी में नाश्ता करने, बिकॉज यहाँ पे आसपास कुछ मिलता नहीं है, मतलब जो भी है राज बोल रहा है भाई इतना मज़ा नहीं आता खाने के लिए। तो वी आर गोइंग नाउ टू चकाला। भाई जब टायर नए होते ना भाई तो गाड़ी के अलग ही लुक आते हैं भाई। मेरे देखो पीछे का टायर टकले है। और राज भाई धूप लिया, मुँह धो लिया, जब बात कर रहे थे तभी सामने दिख रहा है आपको लाल छाता। तीन प्लेट, मतलब कितना हो गया, तीन, छः और एक, सात। मेन्दू वड़ा खा के अभी जा रहे हैं यहाँ पे चाय वाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद बहुत टाइम है हमारे पास, 10 बजे का पिकअप है, टाइम सिर्फ 8:45। भाई अभी टाइम ऑलमोस्ट 8:50 है एंड अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपने होटल में साई पैलेस में। भाई मैं तो जाके अभी सो जाऊंगा एक आध घंटा। कितने का पिकअप है? 10 बजे का ना, एक घंटा सात 10 बजे आ जाए तो सही है। अच्छा हाँ, उससे 15 मिनट पहले एम्प्लॉई आते हैं, सिगरेट मारेंगे सब लोग, बाद में मेन बॉस आता है। अभी तो मेन बॉस तुमको देखेगा, तुम्हारी गाड़ी में बैठेगा। हम इंसान ही हैं वैसे। नहीं नहीं, उसको गाड़ी अच्छी लग रही थी, वो दो दिन तुम नहीं थे ना, तो दो दिन मेरे साथ ही बैठ रहा था वो, जा ही नहीं रहा था मेरी गाड़ी छोड़ के, पायस वाली की गाड़ी में बैठा ही नहीं। क्या तुम्हारा हेडलाइट का बल्ब मिला कि नहीं? मिल गया ना एलईडी, और उसे लगाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। हाँ वो एक है, राज की गाड़ी का ना हेडलाइट का एक बल्ब पूरी गया था हाई बीम, तो वारंटी में गया था रिप्लेसमेंट के लिए। तो अभी वो आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन भाई के पास टाइम नहीं है बिकॉज रात को, कल रात को कितने बजे छूटे? 11:30-12 बजे छूटे ना, 11:30 बजे। हाँ फिर भाई बड़ा वैसे उसको भी शॉप चालू होगी नहीं, तो प्रॉब्लली हम ये सब काम है कल निपटा लेंगे। हाँ कल जैसे भी एयरपोर्ट ड्रॉप है तो फिर शाम को टाइम मिलेगा, तो भाई जाइए हाथी भाई के शॉप पे है वो रिप्लेसमेंट करवा लेंगे। आपने शोरूम भी जाना है? हाँ भाई को शोरूम में जाना है, एक और गाड़ी बुक करना है फॉर्च्यूनर। भाई अभी वापस अपनी गाड़ी में आ गए, जूते बूते निकाल के आराम से। एक घंटा अप्रोक्सीमेट तो है मेरे पास, लेकिन 40 मिनट का पावर नाप ले लेता हूँ भाई। रात को ना भाई सोचते थे तो मुझे कुछ 2:30 बज गए थे एंड सुबह को वापस जल्दी उठना पड़ता है 5:30 को, क्योंकि घर पे कोई है नहीं तो स्कूबी के लिए भी सब कुछ रेडी करना पड़ता है, प्लस वो डिकॉल दूध मंगवाना पड़ता है, वो गर्म करो, बहुत कुछ है भाई। चलो एक फटाफट पावर नैप लेते हैं, मेरी आँखें भी नहीं खुल रही हैं, तो एक पावर नैप लेते फटाफट एंड लेट्स सी क्लाइंट कभी आते हैं। अप्रोक्सीमेट 2:30 बजे आ जाएगा एंड फिर उनको लेके जाना है नेक्स्ट कंपाउंड गोरेगांव। 2 hours later भाई क्लाइंट को जस्ट ड्रॉप किया है अभी हम लोग ने नेक्स्ट कंपाउंड, तो आगे क्या नाम इसका है राज की गाड़ी है। तो अभी हम लोग है ना एक जगह है पार्किंग है, मतलब क्लाइंट जो फैक्ट्री से आया ना तो वही फैक्ट्री का उनका खुद का पार्किंग है, बिकॉज नेक्स्ट में तो पार्किंग है ही नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे गाड़ी पार्क कर देंगे एंड फिर प्रॉब्ली हम लोग शायद गाड़ी में बैठेंगे या मेट्रो पकड़ के हम लोग चले जाएंगे हमारे घर पे। 1 hour later भाई टाइम है 11:30, हमें गाड़ी ना सामने वाले बिल्डिंग में पार्क कर दी है फैक्ट्री में। तो अभी मैं और राज जा रहे हैं टूवर्ड्स मेट्रो, क्योंकि मैं जाऊँगा वहाँ से डायरेक्ट अपने घर पे मेट्रो पकड़ के राज से 18 मिनट ड्रॉप करने के लिए। मैं राज को बोला तू बारह चला जा अपने घर पे मेरा रोड, आराम से कम 6-8 घंटे आराम कर फिर वापस आ, लेकिन भाई मना कर रहे पता नहीं क्यों। भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं बोरी विले वे सिंपली, अभी चाहते घर पे हार्डली 5 मिनट लगेगा। लेटर दैट सेम इवनिंग भाई शाम के बज चुके हैं कितना 6:20 एंड अभी हम लोग वापस जा से जा रहे हैं। मैं एक्चुअली घर पे जाके आ भी गया, तो यश भी आया घर पे खाना वाना खा लिया, फिर मैं वापस मेट्रो पकड़ लिया एंड वापस हम लोग यहाँ पे आ गए। हम लोग मतलब मैट्री ला, और सबसे गंदी चीज़ बताइए यहाँ पे क्या है भाई, ये सब कीचड़ है, देखो आपको थोड़ा आगे जाकर दिखाता हूँ भाई, इतने गंदे भयंकर मच्छर घूम रहे ना भाई,
गाड़ी के अंदर भी मच्छर ही मच्छर हो गए। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड आगे कुछ और जगह पे गाड़ी पार्क कर लेंगे, बिकॉज 15-20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा है हमारे पास, ज्यादा नहीं। The next morning. सुबह के बज चुके हैं 7:30 एंड मुझे बस निकलना है। आई एम वेटिंग स्कूबी के नीचे वॉक पे, जैसे स्कूबी आता है फिर यश भी आया है, यश भी सोया अंदर, तो स्कूबी जाएगा अंदर और फिर मैं निकल जाऊंगा काम पे। 5 किलोमीटर देख लो कितना हो गया, 198,006 किलोमीटर। चलो अभी निकलते हैं एंड सबसे पहले जाएगी बुरेली ईस्ट में, जहाँ पे राज भाई खड़े हो गए शायद, या शायद मैं ही डायरेक्टली उनको मिलूंगा पहले, क्या पता। बट अभी हमें पहुंच चुका अपने लोकेशन पे, अभी राज के लिए वेट करते हैं। आज जो हमेशा वो लेट होता है, कल भी 1 घंटा लेट था, आज भी आधा घंटा लेट है। अभी देखते हैं किधर ये गाड़ी है, नहीं ये नहीं, प्राइवेट गाड़ी निकली। अरे किधर है राज भाई, जल्दी आओ यार। ये देखो इतना ऐसा फरामोश है, पीछे आके हॉर्न मार रहा है और मुझे अभी फोन करके बोलता है कि भाई इतना लेट क्यों, मतलब पहले मैं आके खड़ा था कि पहले वो आके खड़ा था। रुको अभी आ रहा है साइड में, ये देखो ये देखो, इंसान है कि क्या है, क्या है इतना यार, ठोको ठोको उसको। चलो राशन कार्ड खेलेगा ये। फाइनली पहुंच चुके हैं हम होटल साई पैलेस। ये देखो अभी थूक के आया, मुंह धो के आया, क्योंकि अभी खाना खाने का जाना है, खाना मतलब नाश्ता करने जाना है। नहीं खुलेंगे हम, नहीं खुलेंगे। अरे भाग गए, अरे भाग गए, ऐसे थूक के आ रहे वापस। अरे खोलो, क्या बोल रहे हो? लोग पूछ रहे हैं इतना थूकते क्यों, देख लिया वीडियो में। तो अभी वहाँ पे खाया हम लोग ने मेन्यू पड़ा, अभी यहाँ पे स्पेशल चाय। क्या पीछे धुआं क्यों निकल रहा है? धुआं पीछे से भी निकल रहा है, इधर से निकल रहा है। आईफोन है दोस्त, तब दिखते हैं लोगों को। भाई टैंक को ड्रॉप कर दिया, देखो मैंने गाड़ी चलाया था, यहाँ पे पार्क की है अंदर, ठीक है, तो थोड़ा कैसा वैसा गिरता जा सके। एंड अभी मैं और राज जा रहे, राज ई कर ई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अरे नहीं, तो सोया था ना, तो इसमें पैर ज्यादा जोर से लग गया। अरे नया ले लो अभी, तो नया ही लगाना है, जो पुराना थोड़ी लगाऊंगा मैं। हाँ तो नया ले लो ना अभी, नहीं शोरूम जा रहे हो ना अभी, अभी लेके आ जाओ। चलो अभी जा रहे शोरूम, बिकॉज बहुत गंदा दिख रहा है, गाड़ी कभी आने वाली इसको पता ही नहीं है, बहुत टाइम हो गया बुकिंग करके, बुकिंग करके भाई महीने हो गया, बात हो गया भाई। तो दिखते अभी शोरूम जा रहे हैं, लास्ट दिन है और हम लोग साथ में ही, तो फ्री भी हुए, तो 2 बजे तक टाइम, बिकॉज आज क्लाइंट शायद 2 बजे तक आ जाएगी, 2 मैक्सिमम 3 बजे तक आ जाएगी, उसके बाद वापस होटल जाएंगे एंड वहाँ से लगेज लेके उनको एयरपोर्ट ड्रॉप कर देंगे। वही एक्चुअली ना 3 गाड़ी थी, मतलब 4 गाड़ी थी, एक गाड़ी तो दूसरी जगह पर लोकेशन पिकअप था, उसका पिकअप लोकेशन दूसरी जगह पर था मतलब, तो जो तीसरी गाड़ी हमारे साथ थी ना, वो कस्टमर को जाना था जवेरी बाजार, तो वो पहले आया राज के पास, बोला चलो गाड़ी निकालो और जाते जवेरी बाजार। मतलब जवेरी बाजार मुंबई का एक अलग ही लोकेशन है, बहुत दूर है यहाँ से, बहुत दूर मतलब किलोमीटर भाई दूर नहीं है, बट टाइम है भाई बहुत दूर है बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। तो रात ने क्या किया साले ने, जो तीसरी गाड़ी थी ना कस्टमर से, एक काम कर उसमें चले जाओ, बिकॉज ये तो गाड़ी है ना सिर्फ नेस्को तक ही जाएगी, मैम नेस्को मतलब जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है, और वो जो जवेरी बाजार है अप्रॉक्सीमेट 20 किलोमीटर रहेगा, और वो हैवी ट्रैफिक मतलब घंटा ट्रैफिक। तो भाई साहब ने वो कस्टमर को वो गाड़ी में बैठा के चिपका दिया, बोला जाओ। और हम लोग इधर आ गए, मैं भी पूछा भाई वो गाड़ी दिखी नहीं कहाँ गई, बोलता वो गाड़ी गई जवेरी बाजार। देखो हम पहुँच चुके हैं लाखोजी टोयोटा अंधेरी वाला ब्रांच, और देखो फॉर्चुनर टूरिस्ट में यार राज एक दिला ना, गिफ्ट करो ना एक, चलो फॉर्चुनर छोड़ो एक हाई क्रॉस दिला दो मेरे को राजू, ये करो देखो कितना फर्क है पहले अभी, मैं थक गया है ना अभी, तुम याद है कि नहीं है क्या टेस्ट लिया था इसका अपने पगा पगा के, तो इसका हाइट दुकान है पीछे से जबरदस्त है ना। एक ऐसा गाड़ी लेने का जब कस्टमर 2 क्रिस्टा मांगता ना, यहाँ पे पीछे 4 उधर 4 और इधर सामने हम 2 10 रुपये इसमें हो जाएगा आराम से, पीछे 3 आगे 1। चलो गाड़ी साले काम सब हो गया गाड़ी का, अभी रुक साले येड़ा है क्या लगे जाओगे तुम अभी छोड़ के मेरे को। तो भाई की अभी गाड़ी आएगी शायद यही मंथ में ऐसा हमको लग रहा है, अब तो पता नहीं राज को शायद कल या पता चल जाएगा। में आया था ना छपरी साला, कौन छपरी, वो जो एक्टिवा पे सिगरेट मार रहा है ऐसा बन के आया जैसे कि BMW से उतरा है, और यहाँ एक्सेस के वो बैठ के छपरी जैसा सिगरेट मार रहा है ना, लेफ्ट लेफ्ट। भाई अभी है ना, अभी हम लोग आ चुके हैं आरे के पास, भूख तो बहुत लगी है। अरे चलो यार उसके साथ बोल रहे आने के लिए, आगे आगे कहीं पार्क करते हैं और फिर यहाँ पे चल के आते हैं और मस्त खाते गर्मा गर्म, अरे बनपा मस्का और चाय, जाने जाने तुम सब कहाँ तुम घुस रही हो यार बेचारा।
तो अभी आगे कहीं पार्क करो मस्त चटक अटक चक चक भाई। अभी दो पन पाओ एंड दो कप चाय। राज भाई दो पन पाओ एक सिर्फ चाय दिखा दिखा दिखाओ पीछे क्या है और एक सिगरेट। कब फोड़ेगा ये बंदा सिगरेट तंबाकू पता नहीं मेरे को। हमारा पेट एकदम भर चुका है एंड अभी बस अभी यहाँ से निकलेंगे वापस टू गो टूवर्ड दी हमारा जो लोकेशन पार्किंग बिकॉज नेस्को कंपाउंड देखो सामने है और पता नहीं आपको यहाँ पे दिखेगा कि नहीं। मतलब इसी थोड़ा और आगे नेस्को कंपाउंड है एंड फुल ट्रैफिक जाम। जब भी यहाँ पे इवेंट होता है ना भाई को एग्जीबिशन लगता है ना भाई फुल हाईवे जाम होता है तो हर जगह पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं। कुछ भी चीज़ें अनऑर्गेनाइज होती है मतलब अगर आपने पार्किंग किया है रस्से पे गाड़ी ना गया ख़त्म चलान प्लस गाड़ी टो करके लेके जाएंगे वो। ये देखो हालत देखो रस्सी की इतना डर लगता है कभी गिर भी गया था भाई। अभी ना मैंने वॉचमैन से रिक्वेस्ट किया उनको बोला मेरे को दूसरे गेट पे गाड़ी पार्क करने थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है बास भी आती है। वो बोले ठीक है आप कार लेके आ जाओ मैं गेट खोलता हूँ तो गाड़ी को यहाँ से हटाते हैं वहाँ पे लेके जाते हैं। भाई कलंग का फ़ोन आ चुका है और वापस हम जो है पिकअप करने के लिए और राज की गाड़ी मेरे पीछे ही है तो अभी हम लोग है ना एक्चुअली इस बार है ना पूरा वापस जोगेश्वरी जाके यू टर्न लेके वापस गोरेगांव की तरफ आना पड़ेगा बिकॉज प्लानिंग का इस बार गाड़ी ना हाईवे पे नहीं सर्विस रोड पे आ जाना एंड सर्विस रोड पकड़ने के लिए भाई पूरा घूम के आना पड़ेगा। भाई फाइनली कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है और अभी हम जा रहे वापस अपने घर पे बुरेली एंड दोनों गाड़ी में कुछ कुछ काम करना है तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे हार्दवाई के शॉप पे। भाई मौसम देखो क्या सुहाना मौसम है मतलब इतना ब्लैक क्लाउड से हल्की फुल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है। फिलहाल तो मैं वाइपर यूज़ नहीं कर रहा बिकॉज मैंने लास्ट टाइम मैंने गाड़ी के ऊपर वो लिक्विड डाला था तो जिससे वाइपर की एक्चुअली यूज़ नहीं होता ज़्यादा बट एनीवेज अभी हम जाते हैं एंड चेक करते हैं। एक चीज़ आपको दिखानी है स्पेशली यहाँ पे आजकल एक नया अपडेट आया है मुंबई में एंड अपडेट ऐसे ना हम लोग का ट्रैवल ग्रुप से अपडेट आया है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो रूट है मतलब जिस रूट पे अभी हम लोग हैं यहाँ पे स्पीड लिमिट किया गया है 40 के ऊपर जाओगे तो 2000 रुपये का चलान है। ठीक है अभी ये स्पीड कैमरा कहाँ पे इंस्टॉल्ड है पता नहीं है तो मैंने राज को बोला भाई एकदम आराम से जाएंगे 40 पे ही जाएंगे एंड उसे बोला ठीक है चेक करते हैं। तो देखो ये राज की गाड़ी ठीक है और ये मेरी गाड़ी 40 का स्पीड लिमिट बोला है 40 पे हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं 40-45 तक है। अब राज क्यों भगा रहा है भाई मैं तो नहीं भगाऊंगा 40 पे आके रुक जाता हूँ। भाई यहाँ पे तो बोर्ड मारा है 60 का मतलब आई गेस 40 से निकल के 60 हो गया है और ये रहा देखो लेफ्ट में कैमरा और वहाँ का अभी शायद फ्लैश हो गया रहेगा गया मैं फ़ोन कैमरा रखता हूँ। भाई हम पहुँच चुके हैं तेजस भाई के शॉप पे हार्दिक भाई के शॉप पे रिदम कारीज यहाँ पे इतनी गाड़ी ना भाई आज वो बोल रहे एक कुछ भी काम नहीं होगा भाई क्योंकि उनके पास कम से कम 6 से 8 गाड़ियाँ काम चल रहा है एंड कारीगर मतलब वर्कर जो इलेक्ट्रिशियन हम कहते हैं मतलब वो हार्डली आई गेस 1 या 2 ही है तो बोलते आज कुछ भी काम नहीं होगा। मेरी गाड़ी का सिर्फ जो पीछे का नंबर प्लेट है ना उसका एक वाइट बल्ब उड़ गया है तो इतना डालना है लेकिन बोलता नहीं होगा सर आज कुछ भी नहीं होगा एंड हमारा एक्चुअली गाड़ी ना देखो वो फर्स्ट लेन वो सेकेंड लेन ये थर्ड लेन और ये फोर्थ लेन 4 लेन तो ऑलरेडी हम लोग ने ऑक्यूपाई कर लिया भाई तो बोलते यहाँ से निकल जाओ ट्रैफिक जाम हो उसके पहले लेकिन फिलहाल तो ट्रैफिक वैफिक कुछ है नहीं तो निकल जाते हैं एंड देखते हैं अभी क्या है सीन। राज भी शायद राज बल्ब उठा लेगा उसका क्योंकि उसका एक हेडलाइट का हाई बीम है ना उड़ गया था तो तेजस भाई ने वारंटी में वो रिप्लेस करवा दिया आ गया तो देखते अभी क्या सीन है। नेक्स्ट डे सुबह के बज चुके ऑलमोस्ट 12:30 मतलब गुड आफ्टरनून एक्चुअली तो फिलहाल हम लोग काम पे जाने के लिए सब चेक कर रहा हूँ सब कुछ बंद बंद है वॉशिंग मशीन चालू है वो बंद रहेगा ये बंद करके जाना पड़ेगा मुझे दूध गर्म हो चुका है इसको भी खाना अंदर रेडी है इसको भी बाय बाय अभी मेड आएगी तो उसको भी खाना खिला लेगी ये भी मुझे बंद करके जाना है वो है अपना लकी प्लांट क्या बोलते लकी प्लांट हाँ चलो। भाई मैं तो कल रात को व्लॉग एंड करना ही भूल गया था पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था एक्चुअली मैं जब घर पहुँचा ना भाई थक चुका था एंड याद ही नहीं रहा व्लॉग एंड करूँ बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ बहुत बार ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट टाइम व्लॉग एंड करने का याद रखूँ। फिलहाल तो हम जा रहे हैं पापा हार्दिक भाई के शॉप में बिकॉज कल गए थे लेकिन कल उनके पास टाइम नहीं था आज जा रहे हैं बिकॉज मेरे पास बहुत कम टाइम है उनके पास पता नहीं मैंने फ़ोन नहीं किया वहाँ पर जाके देखता हूँ अगर टाइम रहेगा तो एक जो बल्ब चेंज करना वो बल्ब चेंज करवा के फटाफट निकलते टू गो टू थाने। फिलहाल हार्दिक भाई के शॉप से मैंने टिशू बॉक्स का ये नया होल्डर लिया है टिशू बॉक्स मतलब जो भी कहते हैं इसको और जो नमक का बल्ब बोल गया ना वो भी अभी फिटिंग कराते हैं सिराज भाई थोड़ा बिजी एक गाड़ी में वो होने के बाद अपन फिट करा के फिर निकलते हैं। भाई पीछे का बल्ब डाल दिया है हमने ये लिया है 50 रुपीज़ का लेवेंडर फ्लेवर भाई ने बोला आप ट्राई करो तो मैंने एक्चुअली फ़िलहाल तो 2 ले लिया है बिकॉज अरे कहा गया भाई बाहर निकल देखो 2 लिया है मैंने क्योंकि अभी गाड़ी का भी बुकिंग है कुछ क्लाइंट्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स आने वाले हैं प्लस ये भी ले लिया है इसको आगे तो नहीं रखूँगा बट इसको ना से नीचे पीछे रख दूँगा। भाई बादल तो ऐसे लग रहा है कि बारिश होगी आज हल्की फुल्की बिकॉज हम जा रहे हैं टूवर्ड्स थाने मतलब ये रूट आगे आगे जाऊँगा तो इट गोज टूवर्ड्स अहमदाबाद लेकिन हम लोग आगे से राइट लेके चले जाएंगे टूवर्ड्स थाना गोरबंदर रोड फिर थाना हिरानंदानी एस्टेट से मेरा पिकअप है आज क्लाइंट का और फिर लोकल घूमना है तो आई गेस कि बारिश होगी
एंड होगी तो भाई अच्छी है बिकॉज मुंबई में वापस टेम्परेचर बढ़ चुका है भाई। टाइम हो चुका है 2 एंड मुझे 2:30 पहुंचना था थाने हिरानंदानी में, पहुंच चुका हूँ। यहाँ से हार्डली 400-500 मीटर रहेगा, पीछे एक गौरव स्वीट्स करके है, बहुत सही यहाँ पे नाश्ता मिलता है भाई, समोसा एंड कचौरी बहुत सही है। चाहता हूँ 2-3 समोसा खा लेता हूँ भाई, बिकॉज सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ 2 कप चाय पिया है वो भी अपने हाथों से बनाई हुई। तो जाते हैं फटाफट नाश्ता वाशा करते हैं, पेट पूजा करते हैं एंड फिर जाते हैं मैडम को पिकअप करने। भाई मैंने एक दही पूरी खाया एंड एक समोसा पाव, बारिश चालू हो गई है एंड मैम का फ़ोन भी आ गया है, शी इज़ ऑलरेडी रेडी। मैम ने कहा कि अगर आप जल्दी आ गए हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, आई एम विल कम डाउन एंड विल मेक अ मूव। भाई पहुंच गए लोकेशन में, मैम भी आ जाएगी एंड फिर निकलते हैं टू गो टू अंधेरी। 2 hours later बट टाइम है 4:45 एंड वी हैव रीच अंधेरी वेस्ट नेक्स्ट टू द लिंक रोड। तो अभी प्लान ऐसा है कि यहाँ पे उनको कुछ 1-1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे टू वर्सोवा, वहाँ पे कुछ काम है एंड उसके बाद डायरेक्टली वापस थाने। तो आज का बस इतना ही शेड्यूल है। तो अभी फिलहाल मुझे लैपटॉप पे करके एक बुकिंग करना है जैसे मुंबई टू पुणे, तो वो मैं अभी शेड्यूल कर लेता हूँ। बुकिंग मुझे किसी को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, राज तो जाएगा ही, राहुल भी बुकड है, तो किसी और की क्रिस्टा मुझे भेजना पड़ेगा। भाई इतना डिफिकल्ट होता ना, इतना डिफिकल्ट होता है कि मतलब गाड़ी चलाओ, क्लाइंट का फ़ोन आंसर करो, उनका नेक्स्ट डे का बुकिंग अगर उनको चाहिए गाड़ी तो उनको अप्रूवल लो, मेल करो एंड जब सब कुछ हो जाए कंफर्मेशन आ जाए फिर बुकिंग क्रिएट्स करो। बुकिंग क्रिएट करने के बाद मेरी गाड़ी अगर बुक डे, मेरे पास अभी फिलहाल एक ही गाड़ी है, मेरी गाड़ी अगर बुक डे तो सेकंड गाड़ी के लिए, सेकंड क्लाइंट मतलब जो क्लाइंट है उनके लिए दूसरी गाड़ी अरेंज करो, वो वेंडर से बात करो, वेंडर हाँ बोलता है तो वेंडर को पूरा डिटेल्स फॉरवर्ड करो, फिर वो डिटेल्स फॉरवर्ड करो कस्टमर को। तो ये सारी चीज़ें ना भाई करने में एक आदमी के लिए भाई बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए तो मतलब इतना हेक्टिक हो रहा है ना, इतना हेक्टिक हो रहा है। टच वुड काम अभी अच्छे से बढ़ रहा है, भगवान की देन है, सही में मज़ा आ रहा है काम करने को, लेकिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। पता है लोकल में एक बार चल जाता है कि चलो 1-2 घंटे के बाद मैं जब फॉल्ट लेता हूँ, जैसे अभी मैडम अभी गई आगे स्टारबक्स में, तो मैं यहाँ पर रुक के अपना काम कर रहा हूँ, लैपटॉप पे सब बैठ के काम कर रहा हूँ एंड ये चीज़ ना भाई बहुत मेरे को इतना स्ट्रेस होता जाता है ना जब मैं आउटसाइड जाता हूँ, क्योंकि इफ आई गो टू पुणे 5 घंटा लग जाता है, इफ आई गो टू नाशिक 5-6 घंटा लग जाता है, इफ आई गो टू शिरडी 7 घंटा लग जाता है। तो यू नो इतना चीज़ें हैं ना वो करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं सोच रहा था किसी को हायर कर दूँ जो मेरा ये बुकिंग पैनल जो है ना पूरा संभाल सके, बट फिर मुझे लगता है साला कि यार कैसे करूँगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ उसको समझाना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, पूरा सॉफ्टवेयर बेस सिखाना पड़ेगा उसको, भाई इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो फिलहाल सोच रहा हूँ कि अभी कुछ नहीं करूँ, जैसे चल रहा है वैसे चलाने दूँ एंड लैपटॉप लेके हमेशा घूमते रहूँगा, जब मौका मिले तभी काम करते रहूँगा और क्या। Later that same evening. भाई अभी हम तो आ चुके हैं वर्सोवा के आसपास, अभी एक्चुअली ना मैं जा रहा हूँ अभी चाय पीने के लिए, यहाँ पे कुछ है नहीं आसपास, वॉशरूम में जाना है, टाइम हो चुका है 6:35 का, एक्चुअली ये बिल्डिंग में गया है राइट साइड पे, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा यहाँ पे पता नहीं, तो जाते हैं। एक्चुअली लैपटॉप पे काम भी कर रहा था मैं, तो फटाफट जाते कुछ चाय नाश्ता करके आते, चाय नाश्ता नहीं सिर्फ चाय पी के आते एंड वॉशरूम जाना भाई मेरे को। भाई आसपास कुछ भी नहीं है, ना ही मूर्ति की जगह है, ना ही चाय पीने के लिए कुछ व्यवस्था है, तो वापस जाते हैं क्लाइंट के लोकेशन पे, वहीं पे रुकते हैं, क्या पता फिर क्लाइंट कर ही आते हैं। 3 hours later भाई रात के बज गए 9:45, क्लाइंट को जस्ट ड्रॉप किया थाना हिरानंदानी में एंड गाड़ी में डीजल देखो भाई थोड़ा सा भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। तो अभी सबसे पहले तो हम जाएंगे वॉशरूम, भाई मुझे बहुत ज़ोर से वॉशरूम लगी है, तो सबसे पहले वॉशरूम जाएंगे एंड बाजू में ही है, जहाँ पे सुबह को गए थे गौरव स्वीट्स में समोसा खाया था, पूरा दिन समोसा भी जी रहा हूँ भाई, तो वहाँ पे जाऊँगा, वॉशरूम भी है वहाँ पे, वॉशरूम जाने के बाद नाप के देखते हैं सबसे नियरेस्ट पेट्रोल पम्प कौन सा है एंड गाड़ी का टैंक फुल करना है। भाई यहाँ से निकल चुके हैं एकदम, ये देखो एच पे आ चुका है, इसको अगर मैं नीचे करके देखता हूँ तो रिफ्यूल दिखा रहा है, देखो रिफ्यूल, तो मतलब गाड़ी में कुछ भी रेंज बचा नहीं है, तो फटाफट जाते पेट्रोल पम्प पे, मैंने पेट्रोल पम्प डाल दिया मैप पे, दिखा रहा है 10 मिनट 3.2 किलोमीटर, अब गाड़ी पहुँचेगी नहीं वहाँ तक वो भी नहीं मालूम। भाई फाइनली पहुंच चुके घर के, वहाँ पे 10:35 हो चुका है एंड अभी मेरे को है ना यश को फ़ोन करना है, यश एक्चुअली अभी आएगा मेरे साथ, मतलब यश मेरे घर पे रुका है, तो अभी हम जाएगा बाहर कुछ पापा जी ऐसे कुछ खाने के लिए, बिकॉज बहुत भूख लगी घर पे कुछ भी नहीं खाने के लिए, तो यश को फ़ोन करके थोड़े नीचे बुलाते हैं एंड फिर जाते खाना खाने। भाई मैंने यश को कम से कम 10 बार कॉल किया, फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो मैंने कैमरा में चेक किया तो वही सब सो गया है घर पे ही, तो फिलहाल हम जाते फटाफट स्टेशन के वहाँ पे पापा जी ले लेते हैं एंड फिर घर पे जाके फिर यश के साथ खाई। अभी ना मैंने यश को अभी बात हुई जस्ट एंड यश बोला कि मामा मैं सो गए थे, मैं बहुत थक चुका था,
तो सॉरी आप किधर हो? मैं बोला भाई तू काम कर, सो जा, आराम कर, मैं पापा जी लेके आ रहा हूँ। एंड अभी मैं फिलहाल तो जा रहा हूँ पहले पेट्रोल पंप पे, बिकॉज मैंने ना अभी सिर्फ 500 का डीजल भरा था गाड़ी में। बट जिस जगह पे मैंने भरा था ना भाई, मैं एक्चुअली वहाँ पे पहले सोचा था कि मैं 9 फुल कर दूंगा, बट भाई गाड़ी मतलब वहाँ का पेट्रोल पंप की हालत ऐसी थी ना भाई, ऐसा लगा कि सिर्फ इतना डीजल भरो कि मेरी गाड़ी बोली आराम से पहुँच जाए। तो अभी आगे दूसरा भारत पेट्रोल पंप है मेरे घर के आसपास ही है, विच इज़ वेरी गुड, तो वहाँ पे टैंक फुल कर देंगे भाई। एक तो लगे एकदम जोर से भूख, ऊपर से यहाँ पे अभी देखो शिफ्ट चेंज हो रहा है, तो भाई ने बोला अभी आपको 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा। 11:10 हो गया यार, मैं अभी घर आ चुके, ये पापा जी ऐसे मुँह छुपाएगा अपना उसको वीडियो अपन देखा अभी फायर टीवी पे कुछ मस्त है वेब सीरीज। भाई रात के ऑलमोस्ट बज चुके हैं 12:35 या 1, आई गेस 1 बज चुका है। एंड मैं सुबह को भूल गया था कि मैंने वॉशरूम से कपड़े धो रहे थे देने के लिए, उसमें सुखाना बाकी था। एंड वो सुखाना काम कौन था, मतलब किसका था? वो मेरे मेड का था। मेड आई थी आज काम पे, हम सोच रहे वो घर पर नहीं आ पाए बिकॉज घर की जो चाबी थी ना भाई वो मेरे बाजूले आंटी के पास थी, एंड वो आज बाहर गए थे कुछ काम से, तो मेरा आज काम पर नहीं आ पाई। तो सब अभी मैंने अभी अभी ख़त्म किया है। एंड जस्ट भाई इतना हेडेक होता ना भाई, जब पहले कोई नहीं रहता है, सब काम खुद करना पड़ता है, एंड वी हैव नो टाइम, तो भाई बहुत बहुत अलग काम हो जाती है। इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी तो भाई चलो आज चलो गेट एंड करते हैं। अगर आपको मेरा आज पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू।